दूसरे टेस्ट से पहले फिर रोने लगा ऑस्ट्रेलिया। क्यूरेटर पर लगाया साजिश रचने का आरोप। कहा मैच के बाद हमने चाहा था प्रैक्टिस करना, लेकिन पिच पर फेर दिया गया पानी। आईसीसी से किया एक्शन की मांग। विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन पर लगाया गंभीर इल्जाम। दूसरे टेस्ट की विकेट को लेकर सामने आई बड़ी जानकारी। दिल्ली की पिच पर ऑस्ट्रेलिया को तबाह कर देगी टीम इंडिया। नागपुर टेस्ट तो खत्म हो गया, पहले ही पिच पर काफी किचकिच हो चुकी थी। मैच खत्म होने के बाद भी ड्रामा बाकी रहा। हम आपको पिच पर हुए बात के बवाल को बताएं, उससे पहले जान लेते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टेस्ट में आखिर क्या कुछ हुआ था। विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड के मैदान पर मैच खेला गया। ऑस्ट्रेलिया आई तो थी पूरी तैयारी के साथ, लेकिन उनका ध्यान वहां की पिच पर ज्यादा जमा रहा, सो बल्लेबाजी शायद भूल गए थे। पहली पारी में 177 ही रन बनाए। अश्विन का काट निकालते हुए उतरे थे कंगारू, पर्चा जडेजा का आ गया। फिर क्या, जडेजा ने खोल दिया पंजा, अश्विन ने भी झटक लिए 3 विकेट। गेंद घूमी तो इतनी ज्यादा नहीं जितना ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने बताया। हाँ, बल्लेबाजों के शायद सिर घूम गए तो 200 के अंदर ही सिमट गए। फिर आई दूसरी पारी, यहाँ तो और भी बुरा हाल रहा। पिच पर गेंद के घूमने के बजाय सभी कंगारू खिलाड़ियों के दिमाग घूम गए। आखिर अश्विन ने दूसरी पारी में अपने स्पिन का जो बीन बजाया, नतीजा कंगारू 91 रनों पर ही ढेर हो गए। यहाँ अन्ना ने पंजा खोल लिया। इस तरह पहला टेस्ट मैच दुनिया की नंबर 1 कंगारू टीम एक पारी और 132 रनों से हार गई। मैच खत्म हुआ, फिर ऑस्ट्रेलिया ने इच्छा जाहिर की कि वो इस पिच पर प्रैक्टिस करके ही दिल्ली जाना चाहेंगे। आखिर मैच जो 3 दिन में ही खत्म हो गया था, लेकिन जैसा पहले पिच को लेकर भारत ने षड्यंत्र किया, वैसा ही मैच होने के बाद किया। पिच पर मैच खत्म होते ही विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन ने पानी फेर दिया, मतलब पिच पर पानी डाल दिया। फिर तो लाजमी है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ ये दुर्भावना से किया गया काम था। यहाँ से फिर से बवाल शुरू हो गया। कोच और पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी अब तो बौखला ही गए। कहा देखिए हमारे साथ भारत में क्या हो रहा है, हमें विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन की पिच पर प्रैक्टिस करने का मौका नहीं दिया गया, जबकि अभी समय भी था। हमारे साथ बेईमानी हुई है साहब, बात भी सही लगती है। आखिर पिच क्यूरेटर ने ऐसा क्यों किया, इस पर विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से क्या बयान आया, हम इस पर भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि इस पिच की किचकिच पर ऑस्ट्रेलियाई कोच ने क्या कहा। हमारे पास 17 खिलाड़ियों की टीम है, सभी को प्रैक्टिस के लिए अलग अलग सेशन चाहिए, इसलिए हमने वीसीए स्टेडियम मैनेजमेंट से प्रैक्टिस के लिए समय की मांग की थी। हमारे लड़के शरारती नहीं कि पिच को कोई नुकसान पहुंचाते, हमें अगले गेम की तैयारी करनी थी, लेकिन प्रैक्टिस के समय पिच पर पानी छोड़ा जाना खेल भावना के विपरीत है। जाहिर अगर पिच क्यूरेटर ऐसा करेंगे तो ये काफी गलत है। यही नहीं, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज इयान हिली ने तो आईसीसी से इस दुर्भावना को लेकर एक्शन लेने की मांग तक कर डाली है। उन्होंने कहा, जब प्रैक्टिस के लिए अनुरोध किया गया था तो उनके लिए बिना सोचे समझे विकेट पर पानी डालना भयानक था और इसमें सुधार करना होगा, ये क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। अब हम आपको वीसीए ग्राउंड अथॉरिटी की तरफ से आया बयान सुनाते हैं, जिसमें उनका कहना है, जब ऑस्ट्रेलियाई टीम ने स्टेडियम छोड़ दिया उसके बाद ही हमने पिच को कवर किया, तब पूरा मैच खत्म हो चुका था। इसका साफ मतलब है कि जब मैच खत्म होने के बाद दोनों ही टीमें जा चुकी थी, तब जाकर पिच को कवर किया गया या फिर पानी डाला गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कि मैच खत्म होते ही पिच को कवर कर दिया गया था या फिर उस पिच पर पानी डाला गया था। इससे तो साफ है कि हार की खींच अब तक ऑस्ट्रेलिया के मन से नहीं गई है और वो नए नए बहाने और संगीन इल्जाम तक लगा देने के लिए आमादा है। यही हाल रहा तो 17 से 21 फरवरी तक होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में भी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की पिच पर भी उनका ध्यान रहेगा और प्रदर्शन कहीं वो वहां नागपुर वाला न दोहरा बैठे, क्योंकि अगर दिल्ली की पिच का इतिहास देखें तो यहां भी गेंद ज्यादा नहीं उछलती, यहां बल्लेबाजों को ज्यादा मदद मिलती है। फिर स्पिनर्स का भी रोल अहम होता है। वहीं जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर होती है तो क्या पर्थ की पिच उनके मुताबिक होती है या फिर मेलबर्न या गाबा की पिच, वहां टीम इंडिया पिच का रोना कहां रोती है। फिर ये कंगारू ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं, ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई टीम को अपनी ओछी हरकत से बाज आते हुए अपने प्रदर्शन पर ध्यान देना होगा, बजाय कि वो पिच का रोना रोएं। फिर रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।